नमस्कार, आप दुनिया की पटपट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अबकारी केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार, ईडी ने की थी छापे की कार्रवाई, पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का तंज, 1000 छापों में कुछ नहीं मिला। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी के बाद भाजपा नेताओं ने आप कार्यालय के पास किया प्रदर्शन, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। सिक्किम में बादल फटने से बड़ी तबाही, 23 जवान समेत 43 लोग लापता, अब तक 5 की मौत की पुष्टि। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के मुचलके, लालू तेजस्वी और राबड़ी यादव को मिली जमानत, सीबीआई ने जमानत का किया विरोध। ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बदला लेने की नियत न रख, पूरी निष्पक्षता से करे काम, 2 मामलों में गिरफ्तारी को किया रद्द। मौगी, बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल, इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा नोबेल पुरस्कार। पूर्व विभाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई, मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम झारखंड और इससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत, एक अन्य सरकारी अस्पताल में इसी अवधि में 9 अन्य मरीजों ने गंवाई जान। देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में हुई हिंसा की घटना के सिलसिले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया, रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लहेड़ा टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की सोमवार को उनके प्रतिद्वंदी सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर हत्या किए जाने के बाद यादव समर्थकों ने दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिया, इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार आया है, लेकिन 30 सितंबर को समाप्त हुए वर्ष में दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा, यहां प्रति घन मीटर में PM2.5 की सांद्रता 100.01 माइक्रोग्राम रही, जो सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा का 3 गुना ज्यादा है। न्यूज क्लिक वेबसाइट के फाउंडर और HR हेड 7 दिन के रिमांड पर, गैर कानूनी गतिविधियों और चीनी फंडिंग के केस में ईडी ने की थी छापेमारी की कार्रवाई। शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने नादेड़ के एक सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक डीन को शौचालय की सफाई के लिए मजबूर किया, वीडियो सामने आने के बाद चिकित्सकों के संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी, सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगाई, अस्पताल के कर्मचारी भी कर रहे थे लाइसेंस निलंबन का विरोध। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदली, कहा भाजपा जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वह केवल राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता, बल्कि वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है। राजस्थान में भरतपुर जिले के चिकित्साना थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में बस चालक परिचालक सहित 3 की मौत हो गई जबकि 24 अन्य लोग घायल हो गए, पत्थरों से भरा ट्रक खराब होने के कारण राजमार्ग पर खड़ा था। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला हितग्राहियों को दिया एक और तोहफा, अब गरीब महिलाओं को 600 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 की जगह 300 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहनों को दी सौगात, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि के ट्रांसफर, बोले CM शिवराज 3000 तक बढ़ेगी राशि। शेयर बाजार में आज भी गिरावट, सेंसेक्स 286 अंक टूटकर 65,226 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 93 अंक के नुकसान के साथ 19,436 अंक पर हुआ बंद। रणबीर कपूर को ईडी ने भेजा समन, महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्टर से 6 अक्टूबर को होगी पूछताछ, रणबीर पर ऐप का प्रमोशन करने का आरोप, ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में भी शामिल हुए थे रणबीर। कंगना रनौत की तेजस का ट्रेलर वायु सेना दिवस के मौके पर होगा रिलीज, 8 अक्टूबर को मेकर्स ने किया ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, इवेंट की तैयारी, तेजस में एयरफोर्स पायलट के किरदार में नजर आएंगी कंगना, 27 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। ये थे आज के पटवर बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।